बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो में इसका अनबॉक्स किया था, तो मैंने उसमें बताया था कि इससे एसी वगैरह बनता है। तो मैं आज इससे एक मोबाइल कूलर बनाने वाला हूं, जो कि ये जो हमारा जो फोन है ये 33 वाट का चार्जर के साथ आता है, तो ये काफी ज्यादा हीट होता है चार्ज करते वक्त, तो चार्जिंग भी स्लो हो जाती है हीट होने के कारण। तो इसीलिए आज मैं एक कूलर बनाने वाला हूँ फैन के मोबाइल के लिए, इसे एसी भी कह सकते हैं, गलत नहीं होगा क्योंकि इसे एसी वगैरह ही बनता है। तो सबसे पहले हमको एल्यूमिनियम का सर प्लेट ले लेना है और इस प्लेट को इस मोबाइल के शेप में काट लेना है, बिल्कुल सीधा करके उसी स्टाइल से काटना है। और हमको एक ऐसा फैन लेना पड़ेगा 4 इंच का, और 4 इंच का फैन को भी इसको नाप के काट लेना है। तो पहले मैं इन सब चीजों को मार्क कर लेता हूँ। गाइस सबसे पहले हम अपने फोन का नाप ले लेंगे, तो देखेंगे पहले कितना है हमारा फोन। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये 3 इंच का है, तो हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे, इतना ले लेंगे, 3.5, सॉरी 3.5 इधर हो रहा है, तो यहाँ तो हमको यहाँ से यहाँ तक ले लेना है। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, पहले हमको ये भी देखना है कि ये जो फैन है इसके लिए जगह बच रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, थोड़ा बड़ा लेंगे। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से पकड़ के हम इसमें मार्क कर लेंगे सीधा सीधा करके। तो दोस्तों ये हो चुका है, और हमको यहाँ से सीधा इसको कट कर लेना है। और अब हम ये जो फैन है इस फैन को भी कुछ इस टाइप से मार्क कर लेंगे, तो इसको इसी के नाप का लेना है। तो दोस्तों ये हो चुका है, अब हमको इसको थोड़ा थोड़ा इधर इधर बढ़ा लेना है। तो दोस्तों इसे यहां से काटने के बाद ये ठीक हो जाएगा इसी के नाप का, तो इसको और यहां से भी काट लेंगे। तो दोस्तों पहले हम इसको यहां से काट लेते हैं अच्छे से। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इसको मैंने कुछ इस टाइप से काट लिया है, और इसमें फैन को सेट करेंगे और ये इसके ऊपर मोबाइल को रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको जिस टाइप से रखेंगे, और ये जो साइड में हम काट रखे हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो इसको थोड़ा मोड़ देंगे फैन की तरफ। ये हीट सिंक है, तो इसको कुछ इस टाइप से अभी के लिए रख रहा हूँ। तो इसको यहाँ पर रख के ये कुछ इस टाइप का इतना लंबा सा बनेगा, तो हमको पीवीसी पाइप को कुछ इस टाइप से कट कर लेना है। तो मैं काट लेता हूँ पहले, पहले मार्क कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 7 इंच, और यहाँ तक देखते पहले 7 इंच हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये वाला थोड़ा सा कम है, लेकिन हमको 7 इंच का ही चाहिए, तो मैं इसे काट लेता हूँ यहाँ से सीधा करके। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा ये कट चुका है, अब हमारे पास दूसरा बच गया है, तो इसको भी देख लेते पहले। तो दोस्तों ये वाला भी हमारे काम में आ जाएगा, तो ऐसे 2 सीट्स। अब हमारे फैन को जो है वो कुछ इस टाइप से सेट करना है, ताकि हवा को ऊपर की तरफ फेंके, तो हमको यहाँ पर छेद कर लेना पहले, तो उसके लिए पहले मार्क करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बीचों बीच हमको छेद कर लेना है, ताकि नीचे से ऊपर की तरफ हवा फेंक सके खींच के, तो पहले मैं इसे छेद कर लेता हूँ।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारा जो छेद था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस फैन को यहाँ पर बैठाएंगे और ये वाला जो है इसको हम कुछ इस टाइप से लगाएंगे, क्योंकि ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक है ये एक साइड बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो इसके लिए काफी ज्यादा तगड़ा हीट सिंक चाहिए। तो हम इसको डबल कर देंगे और इसको फैन के पीछे कुछ इस टाइप से लगा देंगे और इस वाले को हम इधर लगाएंगे इस टाइप से, और इनको थोड़ा इधर उधर सीधा कर देंगे ताकि ये वाला काफी ज्यादा ठंडा हो सके, और इसी के ऊपर हम मोबाइल को रख के चार्ज करेंगे। तो उससे पहले हम इसको लगा लेंगे हाथ से, पैर कस लेंगे। और दोस्तों ये सब जो है इसको हम सीधा कर देंगे क्योंकि हमारा जो मोबाइल है वो इसी के ऊपर रहेगा। और दोस्तों जो इन साइड में है इनको इनको भी साइड कर देते हैं अभी के लिए, इनको बाद में हम तोड़ देंगे क्योंकि किसी काम के नहीं है अभी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से लग चुका है, अब ये चारों टाइट हो चुका है। इस फैन को कुछ इस टाइप से लगाना है ताकि इसके ऊपर की तरफ हवा जाए। तो दोस्तों यहाँ से जो थोड़ा सा खुला हुआ दिख रहा है तो यहीं से इसका जो हवा है वो निकलेगा यहाँ से और इसको ठंडा करेगा, क्योंकि ये जो पूरा एल्यूमिनियम है पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों वैसे तो ये बिल्कुल इस टाइप से होगा और इसको हम यहाँ पर लगा देंगे और इनमें कुछ ये वाले स्क्रू कर देंगे। तो दोस्तों अब हमारा जो थर्मो इलेक्ट्रिक है उसको हम कुछ इस टाइप से लगाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से लग जाएगा, तो मैं इस ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों ये रहा ये जो है ये फैन का वायर है, तो अब हम इसको यहाँ से लपेटने के बाद यहाँ पर जोड़ देंगे। तो दोस्तों हमारा जो फैन का कनेक्शन था वो हो चुका है, तो इसको हम यहीं पर फेवरिक से फिक्स कर देंगे ताकि ये हिले डुले ना। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इस सीट्स को मैंने काट लिया इस टाइप से और ये छेद किया है ताकि ये जो इसका हवा है गर्म हवा वो निकल जाए यहाँ से। तो मैं इसको लगा लेता हूँ पहले। यहाँ पर लगा देंगे बंद हो। तो दोस्तों इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि अगर इसमें कुछ फॉल्ट वगैरह आता है तो इसको हम ताकि खोल सके, ये ऐसे ही रह जाएगा और हमारा फोन जो है वो कुछ इस टाइप से रहेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर। अब हम इसका जो पीछे का कुछ काट रखा हूँ पाइप से ही। तो दोस्तों ये जो हमारा दो वायर है ये थर्मो इलेक्ट्रिक का है, हम इसमें 5 एम्पियर 12 वोल्ट 5 एम्पियर या फिर उससे भी ज़्यादा भी दे सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर कोई ट्रांसफार्मर फिट नहीं किया, वो 2 एम्पियर का था इसलिए उसे फिट नहीं किया। और ये जो दो आप वायर देख पा रहे हैं दोनों ट्रांसफार्मर के, इस यहाँ पर हमको सीधा एसी सप्लाई देना है ताकि वो जो फैन है वो घूमना स्टार्ट हो जाए। अब हम इसको सीधा पेंट करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसे रेड कलर का पेंट करेंगे, तो पहले हम इस साइड कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारा पेंट कंप्लीट हो चुका है और इसका मैंने कनेक्शन भी कर लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये वाला जो है वो एसी सप्लाई के लिए है, इससे हमारा फैन चलेगा, और ये वाला डीसी जो इससे हमारा थर्मो इलेक्ट्रिक चलेगा। तो ये वाला इनका मैंने कनेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों अब हम इसे टेस्ट करने वाले हैं और इस फोन को हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर थोड़ा पानी टाइप सा जम जाएगा, शायद जम सकता है, तो हम दिखाएंगे कुछ इस टाइप से। लेकिन इसे देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसे। तो पहले मैं इसे चला के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो फैन है वो ऑन हो चुका है, मैंने नीचे का साइड कलर नहीं किया है। तो हमारा फैन है जो ऑन हो चुका है, उस फोन को हम यहाँ पर रखेंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल भी गीला वगैरह कुछ भी नहीं है, जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, थोड़ी देर के लिए रख देंगे यहीं पर।
और दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, दोनों फोन सेम फोन रखेंगे और एक को इसके ऊपर रख के चार्ज करेंगे और एक को ऐसे ही रख के चार्ज करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा फोन जल्दी चार्ज होता है। और उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये 5-6 मिनट हो चुका है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो गीला गीला हो चुका है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये पानी पानी सा है और इसके ऊपर भी पानी जम चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को कैमरा में जरूर से दिख रहा होगा इसके ऊपर पानी जम चुका है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ है ये, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो दोस्तों इसका वीडियो जल्दी ही आने वाला है, मिलता है फिर से नेक्स्ट वीडियो पर, आज के लिए बस इतना ही।